पाइथागोरस थ्योरम स्टैंडर्ड 7 का जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। सो पाइथागोरस थ्योरम समझने के पहले कुछ स्क्वायर रूट्स आपको याद करने पड़ेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख चुका है। सो 1 का स्क्वायर 1 कैसे 1 1 1 ऊपर 2 है इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 का स्क्वायर मतलब इसका प्रोडक्ट फॉर्म कैसा होगा 1 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 2। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का स्क्वायर 3 3 9 4 4 16 5 5 25। सो ऐसे करके आपको मिनिमम 25 तक के तो याद रहने ही चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, ओके। और 21 का स्क्वायर है 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625, ओके। सो ठीक इसी तरीके से अगर आपको याद रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग ने सीखा होगा इसके पहले भी स्टैंडर्ड में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। LMN और यहाँ पे 7 और 8 24 दिया है और x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे? Hyposquare equal to side 1 square plus side 2 square। तो इसके अंदर hypo side 1 और side 2 क्या होता है? सो hypo जो है वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और ऑपोजिट टू 90 होती है। अब 90 क्या होता है? तो जो कॉर्नर पर बॉक्स बनता है, ऐसे बॉक्स बन रहा है, वो 90 हो गया, ओके। क्यों? क्योंकि 90 जब हम लोग लेते हैं तो स्ट्रेट आता है, ओके। तो जो कॉर्नर पर, जो वर्टेक्स पर, ये वर्टेक्स M है, M के ऊपर 90 बन रहा है, तो ये 90 है, और 90 के ठीक सामने वाला हो जाता है हाइपो। अब यहाँ पे आप बॉक्स बनाओ तो बॉक्स नहीं बनेगा। देखो ये क्या बन रहा है? कॉर्नर बन रहा है, ओके, मतलब ट्राइंगल बन रहा है, ओके। तो बॉक्स बन रहा है 90 90 के सामने वाला हाइपो, तो हाइपो एक्स हो गया, इसको साइड वन ले लेंगे और दूसरे वाले को साइड टू। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं हाइपो एक्स साइड वन 7 साइड टू 24, ठीक है। तो हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? 90 के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर निकालोगे और साइड 1 साइड 2 का स्क्वायर निकाल के प्लस करोगे तो दोनों सेम हो जाएगा, ओके। सो लेट अस फाइंड x कितना है, हमारे पास x है और साइड 1 क्या है, हमारे पास 7 है, साइड 2 क्या है, हमारे पास 24 है। x का तो x स्क्वायर ही रहेगा, 7 7 जा, देखो 7 7 जा कितना होता है 49, 24 into 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब ये दोनों को प्लस करो, अब कितना हो रहा है 49 plus 576 625, तो 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का। तो x ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर उधर गया, तो ये रूट बन गया, ओके। और 625 कब आता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 2 25 बाहर जाके 825 हो जाएगा, ओके। रूट के अंदर कुछ बचा नहीं, इसके लिए रूट नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरीके से बाकी के भी दो सम हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये वाला सम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखना है कि आपको पूरे ट्राइंगल के अंदर 90 कहाँ बन रहा है। तो देखो यहाँ पे बॉक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, देखो। तो 90 के सामने वाला ये हो गया हाइपो, ये साइड वन और ये साइड टू। अच्छा एक चीज है कि साइड वन और साइड टू हम लोग किसको भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर साइड वन ये है तो साइड टू ये हो जाएगा, अगर साइड वन ये रहेगा तो साइड टू ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस के अंदर साइड वन और साइड टू प्लस में ही है, तो 9 plus 10 करो तो भी 19 आएगा और 10 plus 9 करो तो भी 19 आएगा, ओके। सो यूजिंग पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, h
हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। तो हाइपो क्या है हमारे पास 41 है ना, क्या है हम लोग लिख लेते हैं हाइपो 41 है, साइड वन 9 है और साइड टू नहीं पता, तो x साइड टू। सो 41 का स्क्वायर साइड वन है 9 और साइड टू हमें नहीं पता, 9 9 ज़्यादा 81 होता है ओके, और 41 इंटू 41 1681 होता है 1681। तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1 1 ज़ा 1 1 4 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। तो देखो प्लस करो 1681 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, देखो 1681 आ गया। अब ये 1681 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 81 है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस 81 होगा, माइनस करो कितना बच गया, अभी स्क्वायर इस साइड आके रूट। अब मुझे बताओ 1600 किसका है, यहां पे लिखा तो नहीं है बट आपको पता है कि 16 किसका होता है 44 का, सो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 40 कर सकते हैं हम लोग, दो जीरो भी आ गया, 4 4 16। अच्छा साइड टू की जगह x ले लो क्योंकि हमने x लास्ट सम में भी अज्यूम किया था ठीक है, अगर साइड टू भी लिखोगे और एंडिंग में x लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे ठीक है। साइड टू हमें x था, एक ही मेथड अप्लाई करेंगे ओके। तो फिर अगर साइड टू भी लिखा तो भी चलेगा, एंडिंग में एक्स लिखोगे तो भी चलेगा ओके। 40 40 सा होता है 1600, तो 42 है तो स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो सिंगल 40 बच जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया 40 ओके। तो बहुत सिंपल था, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम ये वाला सम करेंगे ओके, ये स्पेस थोड़ा यूज हो गई है तो ये वाला सम हम लोग यहाँ पे करेंगे ओके। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3 डेफिनेटली समझ में आएगा क्योंकि बहुत इजी और छोटा नंबर है। सो देखेंगे वापस से ट्रायंगल के अंदर बॉक्स कहाँ बन रहा है, तो बॉक्स यहाँ बन रहा है ओके। तो यहाँ पे तो बॉक्स नहीं बन पा रहा है और यहाँ पे भी नहीं बन पा रहा, तो 90 ये है, तो 90 के ठीक सामने वाला हो गया हाइपो, एक को साइड वन और एक को साइड टू ले लेंगे। तो लिखिए S1 और S2 क्या है और हाइपो क्या है, तो हाइपो हमारे पास 17 है, साइड वन हमारे पास है x, साइड टू हमारे पास है 8 ओके। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 17 है, 17 का स्क्वायर, साइड वन कितना है x से तो x का स्क्वायर, साइड टू क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है देखिए, तो 2 8 9, x हमें पता नहीं है, 8 8 का होता है 64, प्लस 64 इस साइड आएगा तो क्या होगा -64 ओके। तो 289 माइनस 64, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 और ये 2 का 2, सो 225 किसका है देखिए वहां पे 15 का है ना, स्क्वायर इधर से उस साइड जाएगा तो रूट। अब ये 225 किसका है 15 का, 2 15 बाहर जाके 1 15 हो जाएगा और ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइड वन कब फाइंड करना है और साइड टू कब फाइंड करना है और हाइपो कब फाइंड करना है, मतलब कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब भी एक्स का वैल्यू अगर 90 के सामने वाले पे दिया है तो हाइपो फाइंड करना है, और हाइपो हमेशा साइड वन और साइड टू को प्लस करके मिलता है, उसके अंदर नंबर को उस साइड भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू साइड वन में फाइंड करना है राइट, x का वैल्यू इक्वल के किस साइड है तो ये 8 का जो स्क्वायर होगा वो डेफिनेटली उस साइड जाएगा। बट हाइपो में क्या होता है, अगर हाइपो अगर आपको फाइंड करना होता है
तो साइड वन और साइड टू को दोनों को इधर ही रहता है, तो वो लोग को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। तो जब भी हमें हाइपो फाइंड करना होगा तो साइड वन साइड टू को प्लस करके आंसर आएगा, और अगर हमें हाइपो और साइड वन दिया है तो साइड टू के वैल्यू को हम लोग उस साइड पुट करेंगे, और अगर हाइपो और साइड टू दिया है तो साइड वन का जो स्क्वायर आएगा वो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे बहुत सारे सम जो है वो हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जैसा हमने सॉल्व किया है तो उसके अंदर डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था, बट यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन में दिया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, सो पी क्यू आर के अंदर पी 90 है, तो पहले तो आप नेमिंग मत दो, ये मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। पी क्यू आर के अंदर पी 90 है, तो 90 कहाँ है, ये है, सो पी 90 इधर है, और हमें क्या बोल रहा है ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर, तो पी क्यू हमारा क्वेश्चन में दिया है 24 और पी आर हमें 10 दिया है, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ अ सेगमेंट क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हम उसको एक्स ले लेंगे। तो ये हमारा सम हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनियस साइड वन और साइड टू लिखेंगे, कितना है हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेनियस है, तो मतलब वो एक्स, और इसको हम लोग साइड वन और इसको साइड टू ले लेते हैं। ओके, तो साइड वन हमारा 10 है, साइड टू हमारा 24 है, सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, सो एच का वैल्यू एक्स है, साइड वन हमारा 10 है, साइड टू 24, ओके, सभी के स्क्वायर, 10 टेन का होता है 100, 24 इंटू 24 होता है 576, एक्स एज इट इज 100 प्लस 576 676, स्क्वायर इस साइड से उस साइड गया तो रूट, और 676 किसका है, तो ये सारी चीजें आपको सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगी। ये है 26 का, 26 मल्टीप्लाई बाय 26, अगर नहीं पता है कि किसका है तो कैसे फाइंड करना है सीखिए। ओके, प्राइम फैक्टर आप लोग ने बहुत बार निकाला होगा तो उसी से हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 1 कैरी, तो 2 8 16, ओके, लास्ट में 8 है, वापस से 2 से ट्राई करते हैं, 2 1 1 कैरी, 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18, अब 169 किसका है आपको पता है, 169 है 13 का, ओके, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 13 से ट्राई करेंगे, 13 13 13 1, ओके, सो यहाँ पे कैसा है, 2 into 2 into 13 into 13, 2 13 बाहर जाके 1 13 हो जाएगा, 2 2 बाहर जाके 1 2 हो जाएगा, तो वो कितना होने वाला है, इधर ऐसा कीजिए 2 2 बाहर जाके 1 2, 2 13 बाहर जाके 1 13, और रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, इसके लिए रूट नहीं आएगा, 13 2 26, ऐसा कीजिए, और अदरवाइज आपको पता है कि ये 26 का है तो डायरेक्टली आप 2 26 ले लेंगे। ओके, 26 दो है तो बाहर जाके 1 26, तो इससे भी आंसर 26 आने वाला है, उससे भी आंसर 26 आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, जो इजी लगता है उसी मेथड से आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। अभी हम देखेंगे इसके बाद का सम जो ठीक इसी की तरह है। थैंक यू। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक उसी तरीके से करना है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल LMN, सो LMN के अंदर M 90 है, तो ये 90 है तो यहां पे M होगा, ऊपर L और यहां पे N ले लेते हैं, वैल्यू दिया है L से लेके M तक के 12 है, L से लेके M तक 12, L से लेके N तक 20, और हमें फाइंड करना है MN, MN बोला है लेंथ ऑफ अ सेगमेंट MN फाइंड करो, तो ये हो गया x, सो यहाँ पे हाइपो कौन सा हो गया 90 के सामने वाला, ओके, सो हाइपो हो गया 20, साइड वन हो गया 12, और ये साइड टू हो गया x,
ठीक है। सो ठीक उसी तरह थोड़ा सा अलग है। सो लेट अस फाइंड, सो h का वैल्यू हमें दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू है हमारे पास 20, साइड वन हमारे पास दिया है 12, साइड टू हमें दिया है x, 12 4, 12 144, x का x2, ओके 400 विल रिमेन एज इट इज, प्लस 144 इस साइड आके क्या हो जाएगा -144, ओके x2 एज इट इज। अब 100 में से 44 जाएगा तो कितना होगा, 400 है 144, 4 में से इधर गया ये 100 हो गया और ये 3 हो गया, सो 100 में से 44 गया, 50 गया तो 50 बचा, 50 में से 44 गया, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, स्क्वायर का इस साइड आ गया वो हो जाएगा √256 हमारा है वैल्यू 16 का, 16 × 16, ओके यहाँ का स्क्वायर इधर आया √, और 256 किसका है देखो उधर पर 16 का, तो 2 16 बाहर जाके 1 16। अगर इसके बाद में आपने डायरेक्टली ये भी लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, बट ट्राई करो ऐसे पूरा सॉल्व करने का, ओके क्यों, क्योंकि उसके अंदर फुल मार्क्स मिलते हैं, ओके थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम, जो हमारे एक्सरसाइज का आखिरी सम होगा, थैंक यू सो मच। ओके क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर हमें ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बट यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई है कि टॉप ऑफ द लैडर ऑफ अ लेंथ, लैडर का लेंथ बताया है 15 मीटर, ओके तो ये लैडर है 15 मीटर का है लैडर, और इसको मैंने टेढ़ा इसलिए बनाया है क्योंकि वो 9 मीटर विंडो जो है अबव फ्रॉम द ग्राउंड टू वो वहां तक के पहुंच रहा है, सो ये लैडर है, ओके और ये है विंडो का साइज 9 मीटर, और हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, सो ये बेस ऑफ द वॉल एंड द लैडर, सो लैडर इन लोग दोनों के बीच में का बेस का डिस्टेंस कितना है, ओके सो ये हमें फाइंड करना है। सो लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल, सो ए सी बी द लैडर एंड ए बी बी द लेंथ ऑफ अ विंडो अबव फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन द लैडर एंड द वॉल, बेस ऑफ द वॉल, सो ये हमें यहां पे लिखना होगा लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ लैडर, और BC AC हो गया और AD हो गया बी द लेंथ ऑफ अ विंडो अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ओके AB हो गया एंड AB AC हो गया, अब बचा है BC एंड लेट BC be distance between base of wall and ladder, so यहां पे भी हमें वही चीज करना जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं, 90 ढूंढना है, so 90 ये हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारा है 15, साइड वन हमारा है 9, साइड टू हमारा होगा x, जो हमें फाइंड करना है, ये साइड वन है ये साइड टू, लेट अस फाइंड द पाइथागोरस थ्योरम, ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस 15, साइड वन हमारा 9 है और साइड टू हमें फाइंड करना है, 15 15 = 225, 9 9 = 81, x हमें नहीं पता, so 225 as it is plus 81 इस साइड आएगा तो minus 81, 5 में से 1 गया 4,
दो में से आठ नहीं जाते तो गौरव करेंगे, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, तो 12 में से 8 गया, तो फिर 4 और ये 1 बचा, तो ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट हो जाएगा। ओके 144 किसका है, 144 है 12 का, तो 12 × 12 तो x का वैल्यू हमें मिल गया 12, दो 12 बाहर जाके 1 12 होंगे, therefore the distance between base of wall and ladder is कितना आया हमारा आंसर 12, so 12 meter। ओके आई होप आपको याद रखे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके सो ठीक इसी तरीके से हमारे बहुत सारे वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज आप चेक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी स्टडीज थोड़ी सी अच्छी हो जाए और उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट, मिलते हैं आगे के वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।